अजान बाबा, नूर ने आपके लिए हल्दी वाला दूध भिजवाया है। नूर मेरी दोस्त है या दुश्मन? माशुका ले जाओ, मुझे नहीं पीना। नूर ने कहा है कि अगर ये दूध आपने नहीं पिया तो वो आके ग्लास आपके सर पे खाली कर देंगी। ये नूर ना एक नंबर की गुंडी है। यहाँ रख दूं? अजान, वो अम्मी का मैसेज आ गया था तो उन्हीं को ही रिप्लाई कर रहे थे। शायरा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? पेन किलर खाई है ना, शायद उस वजह से नींद आ रही है। प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। अब जी आप सो जाइए, हम भी आते हैं। आदिल, आदिल ये आप क्या कर रहे हैं? आदिल, अब जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यहाँ रहना चाहिए। आदिल आप, आदिल आदिल हम हमारी बात सुनिए, हम करते थे। आइए चलिए, आइए बैठिए। देखिए आदिल, हम जानते हैं कि अजान ने ओवर रिएक्ट कर दिया, पर आप ही तो वही कर रहे हैं ना। भाभी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने तो देखा ना, क्या अजान भाई मुझे पसंद ही नहीं करते। तो जब पसंद करते ही नहीं है तो मेरे और नूर के रिश्ते को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आप नूर से मोहब्बत करते हैं? बेहद मोहब्बत करता हूँ, इससे तो अजान भाई की नफरत और नूर की बेरुखी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन एक तरफा मोहब्बत काफी नहीं होती भाभी। आदिल, आई थिंक नूर भी आपको पसंद करती है। उन्होंने खुद हमसे कहा था कि सब क्लियर हो गया है। लेकिन इतना काफी तो नहीं है ना। अजान भाई मुझसे नफरत भी करते हैं और उसे हम दोनों के रिश्ते पर भी शक है। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें मना लिया है। लेकिन नूर, आप उनकी भी फिक्र मत कीजिए, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। तब तक मुझे यहाँ रहना होगा। आई अंडरस्टैंड। और वैसे भी मैं अपनी मोहब्बत से खुद ही इतना दूर नहीं रह पाऊंगा, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ ये मोहब्बत सीक्रेट ही रहनी चाहिए। और अजान भाई को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगा था कि अपनी मोहब्बत को पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपने सब आसान कर दिया। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, I love you, शायरा। भाभी, Are you happy? हम बहुत खुश हैं। बस आप खुश तो मैं खुश। ठीक है, अब हम चलते हैं आदिल। ओके। अजान बीबी, आपको हमें लेके इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। आदिल यहाँ नूर के लिए आया है। ये मोहब्बत सीक्रेट ही रहनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। I love you, Shayra, सीक्रेट ही रहनी चाहिए। हमें लेके इनसिक्योर होने भाई को तो बिल्कुल नहीं पता चला। यहाँ नूर के लिए आया है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आँखों ने देखा है, कानों ने सुना, पर ये सच नहीं हो सकता। धोखा दे सकती है, दिल धोखा दे सकता है, मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ, पर मेरी शायरा मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मुझसे जरूर कोई गलती हुई है, मैं जरूर सिचुएशन को गलत रीड कर रहा हूँ। आई एम श्योर ये कोई गलत फहमी है। मैं काम करता हूँ, अभी जाके उससे सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेता हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग तो तब क्लियर होगी ना जब मैं उसे क्लियर होने दूंगा। भाईजान, अजान, अजान कहाँ चले गए? वो अजान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शायरा, मैं आपसे जो भी पूछने जा रहा हूँ ना, वो बस मेरी तसल्ली के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मन में आपके लिए या हमारे रिश्ते के लिए कुछ भी चेंज हुआ है। नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपसे पहले की तरह प्यार नहीं करता या क्या आप पे यकीन नहीं करता। क्या हुआ अजान, बताइए। इतनी मुश्किल से तो तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, ऐसे कैसे क्लियर होने दे सकता हूँ? ये आवाज, चलिए अजान। हाय अल्लाह, मुझे आग से बचाओ, बचाओ। शायरा, शायरा जल्दी ब्लैंकेट लेके आओ, जल्दी। ओके। माशुका, मैं पानी लेके आता हूँ। That was really good, Shayra. चलिए, अभी नोट आई, आइए इधर, आइए आराम से। हाय, इन कमबख्तों को कीड़े पड़ जाए। हमारे पीछे आतिशबाजी छोड़ने वाले के पीछे गली के सारे कुत्ते पड़ जाए। लेकिन डाला ये रॉकेट छोड़ा किसने? आई मीन, दिवाली को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया। बाहर कुछ बच्चे बचे हुए दिवाली के पटाखे फोड़ रहे थे, अभी डांट के आ रहा हूँ मैं उनको। डांटना नहीं, मारना चाहिए था मुंह को। हाय हाय। अरे तू इतना हिलना बंद कर यार, तू ऐसे हिलेगा तो मैं मलहम कैसे लगाऊंगी? अरे तू तो रहने ही दे, तेरे पहलवान जैसे हाथों से दर्द और बढ़ जाता है। एक मिनट आप माजरा दीजिए, हम लगाती हैं। अरे नहीं नहीं शायरा बीबी, मैं करती हूँ ना। दिलरुबा ये हल्दी वाला दूध पी लेना, बेटा जाएगा तो जरूर पी लेंगे। अब इसका रोने धोने का प्रोग्राम रात भर चलने वाला है, आप लोग आराम कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ इसके साथ। इसी बात का तो रोना है, एक तो हमारी ये हालत और ऊपर से ये पहलवान हमारी खिदमत करेगी। हाय हाय। तो आप क्या चाहते हैं कि शायरा बाजी रात भर बैठ के आपकी खिदमत करती रहे?